तट पर पहुंचे, समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां गंधर्व लोग भी, गंधर्व लोग से कई गंधर्व वहां पर आए थे और गंधर्वों ने तीन मातृकाओं मतलब महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को देखा। उसमें सबसे सुंदर महालक्ष्मी, इसलिए गंधर्व महालक्ष्मी के पास गए और पूछा, देवी आप कौन हो और क्यों यहां आए हो? बोले मैं महालक्ष्मी हूं, ये महाकाली और ये महासरस्वती। बोले यहां क्या कर रही हो? बोले हम यहां विचरण करने आए हैं, बहुत कालांतर में कभी कभी हम देवता लोग पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर विचरण करते हैं। गंधर्वों ने कहा कि हमको श्राप मिला है, थोड़े समय के बाद में हम पृथ्वी पर मनुष्य अवतार लेके हमको जाना होगा, परंतु हमको कहा गया है आपको जहां जाना है वहां जाओ। तो महालक्ष्मी आप बताइए, पूरे भारतवर्ष में ऐसी कौन सी जगह है जहां सुख समृद्धि संपदा ज्यादा बढ़ेगी और हम वहां जाकर रहेंगे? बोले वो तो हमें पता नहीं, परंतु हम यहाँ है तो एक काम करो, आप लोग यहीं पर रह जाओ, जहां देवी के चरण पड़ गए हैं वहां कोई भूखा नहीं मरेगा, वहां कोई तकलीफें नहीं होगी, वहां सब कुछ सिद्ध होगा। तो गंधर्वों ने कहा ठीक है। गंधर्वों ने रूप बदलकर वहां रहना शुरू किया, धीरे 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 वहां गांव बसने लगा, धीरे 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 अनेक कालों के बाद बहुत साल बीत गए और धीरे धीरे बस्ती बढ़ने लगी, सब वहां रहने लगे। वहां एक राजा हुए जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा ने आक्रमण करना था उनको पाटन प्रदेश पर, पाटन प्रदेश गुजरात के एक जिसको बहुत पहले अनर्त प्रदेश कहा जाता था, तो अनर्त प्रदेश पर पाटन पे उनको आक्रमण करना था। राजा को आक्रमण करना था, उसमें उनको विजय चाहिए। उस विजय के लिए उन्होंने एक देवी की पूजा की और देवी की पूजा की, महालक्ष्मी के वो उपासक थे, परंतु महालक्ष्मी की पूजा उन्होंने विजय के रूप में की, इसलिए वो लक्ष्मी का नाम हो गया विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी के रूप में स्थापना तो की, पूजन किया, आक्रमण किया, उनको विजय प्राप्त हुई, वो विजय हो गए, पुना प्रदेश उनके अनर्त प्रदेश उनके नाम से हो गया, उनका हो गया। पर ये बात सब भूल गए, समय जाने पर वो मूर्ति थी वो पानी में प्रवाहित कर दी। तो कहा जाता है कि वो जिन्होंने जो मूर्ति बनाई, जब वो प्राणी में पानी में प्रवाहित की गई तो वो पानी में वैसी की वैसी रही, बात किसी को पता नहीं। और काफी समय बीत गया, समय बीतते 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 अनेकों वर्ष बीत गए और धीरे धीरे वहां पर भूख मरी और कष्ट सब होने लगा। और कष्टों के बाद एक बार ऐसे हुए, कई ऋषि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये गाँव में बहुत कष्ट है, परेशानियां है, तो किया क्या जाए? तो कहा कि दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए यहाँ पर एक महालक्ष्मी के मंदिर की स्थापना की जाए। सब लोगों ने मिलकर वहां पर एक मंदिर बनाया और वो मंदिर का नाम रख दिया महालक्ष्मी मंदिर। वहां पर उन्होंने पूजन किया और वो पूजन हुआ, मंदिर 200-300 साल तक रहा। आक्रमणकारियों ने वो मंदिर तोड़ दिया और जो महालक्ष्मी की मूर्ति थी उसको फिर से पानी में रख दिया। और समय बीता और समय जाते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि कई लोग मतलब दरिया में मच्छी पकड़ने के लिए जो लोग जो जाते हैं वो जा रहे थे और जाते 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 इस बंदर के पास पहुंचे और पानी के अंदर उनकी वो मछली पकड़ने वाली बड़ी जाल थी वो अटक गई। अटक गई, जब उन्होंने बाहर निकाला तो वो एक माँ की मूर्ति थी। ऋषियों को पूछा ये कौन से देवी है, मतलब पंडितों को पूछा ये कौन से देवी है, तो उन्होंने बता दिया ये माँ है और हमें उसका नाम नहीं पता है, उसको बस केवल माँ की मूर्ति मानो। अब माछी मारते उनकी भाषा गड़बड़ी थी तो उन्होंने मम्मा मम्मा करते वो देवी का नाम रख दिया मुंबा देवी। बोलो जय श्री कृष्ण। और मुंबा देवी के नाम से ये नगरी मुंबई महानगरी नाम से प्रसिद्ध हुई। मुंबा नगरी की स्थापना भी हुई, समुद्र का तट बनाते बनाते सोचा मुंबा नगरी इतनी महान विशाल नगरी है तो उस नगरी को ठीक करने के लिए उनके समुद्र के तट में किनारा बनाया जाए। और किनारा बनाते 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 एक जगह पे कार्य अटक गया और काम जैसे अटका और काम अटकते वहां जब मशीन अटका अंदर जाकर देखा तो बड़ी एक मूर्ति थी और मूर्ति को बाहर निकाला और देखा तो और कोई नहीं, ये तो स्वयं माँ भगवती महालक्ष्मी की मूर्ति थी। और सब बिल्डर्स ने मिलकर, वो बनाने वाले ने मिलकर उन्होंने एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया और जो महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कहा गया वही विजय लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में मुंबई में आई और जब से मुंबई में महालक्ष्मी की स्थापना हुई
तब से सब आज तक ये कहावत है कि मुंबई में कोई भूखा रहता नहीं, मुंबई में दांतन बेचने वाला भी कमाता है और बड़े बड़े बिल्डर्स भी कमाते हैं। पहले के जमाने में कमाने के लिए लोग मुंबई जाया करते थे। मुंबई धन संपत्ति की नगरी है, ऐश्वर्य की भूमि है, संपदा की भूमि है। जो भी मुंबई में जाता है वो महालक्ष्मी के दर्शन जरूर करता है। तो महालक्ष्मी के अलग अलग रूपों में एक मंदिर है, वो है मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर। पूरे भारत में तीन मंदिर सबसे प्रसिद्ध है महालक्ष्मी के, एक मैंने आज बताया बोलो जय श्री कृष्ण, और अब एक दूसरा मंदिर है वो तो उससे भी बहुत सुंदर है, और वो मंदिर तो माँ महालक्ष्मी का दिव्य भव्य मंदिर माना जाता है। वो एक मूल पीठ है। दो और मंदिर है, एक जो मैं कल बताने वाला हूं और एक परसों बताऊंगा, आना ही है, बोलो जय श्री कृष्ण। एक दक्षिण भारत में है जिसकी कथा तो आप बात ही छोड़ो, अद्भुत कथा है। दक्षिण भारत में एक अष्ट महालक्ष्मी मंदिर है, ऐसा मंदिर न भूतो न भविष्य दिशा, दिव्य मंदिर है भगवान का, उसकी कथा तो बड़ी ही सुंदर है। और एक जो मूल मंदिर है महालक्ष्मी का वो है कोल्हापुर की महालक्ष्मी, जिसकी कथा भी बड़ी सुंदर है। तो अब राधा की कथा और अष्ट महालक्ष्मी की कथा और कोल्हापुर की महालक्ष्मी की दिव्य गाथा वो आज नहीं कल की कथा में करेंगे। तो आइए आज की ये कथा प्रभु के चरणों में एक बात बोलना रह गया, बोलो जैसे कृष्ण। मैंने माँ के दो मंत्र बताए, एक कमला मंत्र और एक दूसरा एकाक्षरी मंत्र। भगवान की पूजा में तीन वस्तु होती है, एक मंत्र, एक पूजा और एक यंत्र, बोलो जैसे कृष्ण। तो महालक्ष्मी के यंत्र के बारे में भी, यंत्र मतलब ऐसे कुछ वस्तु के जिसको रखने से कभी पैसा कम नहीं होता। तो एक वस्तु ऐसी है कि जिसको यदि आप अपने पॉकेट में रखेंगे तो कभी पैसा कम होगा नहीं, जिसको कहते हैं महालक्ष्मी की गुटिका। तो वो गुटिका किसको कहते हैं, उसका अभी अभी मैंने कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में से कुछ ऐसी माहिती मिली। वो ऐसी वस्तु है जिसको यदि पॉकेट में रखेंगे, हरीश भाई बहुत दिन के बाद आए हैं, परंतु यदि वो पॉकेट में रखा जाए तो साहब वो पैसा कभी कम होता नहीं, ऐसा एक दिव्य मंत्र है जिसको हम गुटिका कहते हैं। तो वो कल की कथा में, अथवा समय मिला तो कल, नहीं तो फिर परसों अंतिम दिन शनिवार को वो कथा हम कहेंगे। तो आइए इस कथा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। कल शुक्रवार है ना,